मैं सरिता दिल्ली से थोड़े से ऐसे ही पौधे देख रही थी मैं यहाँ पे, और इन पौधों को ले आ करके मैं अभी दूसरे गमले में लगाऊंगी। तो आज सरिता आपके पास आएगी और आपको लेकर के अपने बागीचे में दिखाने के लिए कि आज हमने एक खास पौधा लगाने के लिए सोचा है, और कैसे उसे लगाएंगे और कैसे उसकी देखभाल करेंगे, इस विषय पे आज आपसे बातचीत हम करेंगे। तो आइए 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 चलते हैं अपने बागीचे की ओर। जी फ्रेंड्स, आज इसी प्लांट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। ये दो प्लांट मेरे टेरेस गार्डन में लगा हुआ है, एक ये वाला है और एक दूसरा ये वाला है। तकरीबन 1.5 साल पुराना है हमारा प्लांट, और अब ये 3.5 फीट का हो चुका है। इसे जब लगाया था तो खरीद की जब लाई थी तो सोचा था कि इसे लगाऊंगी और क्रिसमस मनाऊंगे इस पे छोटे छोटे वाले बल्ब लगाकर। जी हाँ, सही आपने कहा, ये क्रिसमस ट्री है, एरुकेरिया इसे कहते हैं। अब इसे लगाने के लिए जब नर्सरी से मैं खरीद के लाई थी छोटा सा पौधा, तो बड़े जतन किए थे कैसे लगाना है क्या करना है। तो आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे कि कैसे इसे लगाना है और कैसे इसकी देखभाल करनी है। सबसे पहले तो जो इसके लिए हम मिट्टी तैयार करेंगे उसमें बालू की मात्रा यानी रेत सैंड की मात्रा जो है वो बराबर होनी चाहिए मिट्टी के साथ साथ, और वर्मी कंपोस्ट, ये तीन चीज मेरा फेवरेट है और इन्हीं तीन चीजों से मैं अपने सारे पौधों को लगाने के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ। और कुछ पौधों को जिसमें कि नीम खली की जरूरत होती है उसमें नीम खली लगाती हूँ, और कभी फंगीसाइड भी उसमें, कभी कभी जो पौधे ऐसे होते हैं नाजुक से जो कहीं जलने और फंगस लगने का डर होता है तो उसमें भी मिलाती हूँ। तो इसी तरीके से इसकी मिट्टी तैयार की थी, इसको लगा दिया था। लगाने के बाद इसकी देखभाल करने के लिए कहाँ रखना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इस पौधे को डायरेक्ट धूप में रख दिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये पौधा जल जाता है। और बहुत ज्यादा सर्दी भी यानी ठंड भी इस पौधे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, नाजुक सा ये पौधा है। देखिए ना, इस पौधे को जब जब मैं देखती हूँ तो हर बार अलग अलग नजरिए से मैं इसे देखती हूँ और ये नजर आता है, ऐसा लगता है कि अपने बाहों को फैलाए हुए पूरे आसमान को अपने दामन में अपने आगोश में ये समेट लेना चाहता है। ये पत्तियां जो हैं इसको, मुझे इनकी बाहें लगती हैं, और ये खूबसूरत सा जो ये भाग है ये चेहरा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे ही निहार रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं कि मेरी देखभाल अच्छे से कर रही है कि नहीं सरिता। जी हाँ, तो इस तरह से इसको धूप में रखने की गलती नहीं करिएगा। अभी देखिए कि 2-3 दिनों से थोड़ा यहाँ पे एक मैंने ऊपर पर्दा लगाया है, कर्टेन, जो लगा के जाना भूल गई, और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बस 12 बजे तक ऑफिस से आऊंगी तो इसको गिरा दूंगी, लेकिन ये थोड़ी सी धूप जो लगी है उसमें मेरे इस पत्ते के इस प्लांट के दो पत्ते देखिए इसके किनारे जल गए हैं। ये देखिए, ये दो पत्तों के जले हुए हैं और हल्की सी इसमें से आ रही थी ब्राउनिश, ऐसा हो रहा था तो बिल्कुल मैं सावधान हो गई, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको ओवर वाटरिंग जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए हम इसमें रेत या सैंड जो है मिलाते हैं ताकि पानी जो है ड्रेन आउट हो जाए। सौगी नहीं होनी चाहिए इसकी, जो मिट्टी है जड़ की वो सौगी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अभी कि ये मिट्टी अभी दिखी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी ये ड्राई है, लेकिन थोड़ी देर अगर उंगली मैं अंदर को डालूंगी, देखिए अभी ड्राई है, और आज मैं अभी ऑफिस से आई हूँ तो मैं अब इसमें पानी डालूंगी थोड़ा। इसमें लगाने के लिए हमेशा इसके बड़े पॉट की जरूरत होती है, कि जब मैंने लगाया था तो बड़े पॉट को ही देख के लगाया था, लेकिन अभी अचानक जब मैं वीडियो बनाने लगी तो मैंने ध्यान दिया कि ये गमला भी मेरा यहाँ से बिल्कुल टूट चुका है, क्रैक कर चुका है, शायद इसकी जड़ें जो हैं नीचे तक फैल गई हैं, देखिए इस तरफ से निकलने लग गई हैं, ये देखिए
तो अब मुझे इसके पॉट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसे धूप में मत रखिएगा और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी और शीतलहर में इसे मत रखिएगा, ये पौधा ख़राब हो जाएगा। और खाद की तो इसको ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, इतनी कोमल खूबसूरत सी पत्तियाँ हैं, कभी इसको इस पर हाथ ऐसे सहला के देखिए, ऐसा लगता है कि मासूम से बच्चे का कोई गाल सा हो और उस पर आप हाथ ऐसे सहला रहे हों, बड़ा प्यार आता है इस पौधे को देखकर, बहुत खूबसूरत सा ये पौधा है। तो बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत थोड़ी सी है, अच्छे माटी तैयार करिए, इसकी मिट्टी अच्छी तैयार करने के बाद पानी ज़्यादा मत डालिए, खाद की एक बार ज़रूरत होती है, आप चाहें तो 6 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, जो मैं डालती हूँ वही उसी की सलाह मैं अपने साथियों को भी देती हूँ। और धूप में मत रखिए डायरेक्ट इसको, थोड़ा सा शेडी एरिया में रखिए, रोशनी तो हर पौधों को चाहिए चाहिए, उसी तरह इस पौधे को भी चाहिए रोशनी। तो इस तरीके से ये पौधा जो है सालों साल हमारे पास बना रहेगा और हमसे अपनी दोस्ती को निभाता रहेगा। तो दोस्तों आज इस प्लांट के बारे में यानी एरोकेरिया के बारे में मैंने बात की, आपको कैसा लगा आज का हमारा मिलना और हमारा ये पौधा? अगर खूबसूरत लगा, अच्छा लगा बात करना, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर करेंगे तो और भी बेहतर बात है। बस आज इतना ही, फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और